नमस्कार, मैं प्रीति पूजा अपने चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ कुंदरू की सरसों वाली सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे टिंडोरे, गिलोरे या कुद्रुम के नाम से भी जाना जाता है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत ही जल्दी आसानी से बन भी जाता है। तो आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक यानी कि थम्स अप के बटन पर क्लिक करना ना भूलें। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम कुंदरू को अच्छी तरह से धोकर ले लिया है। अब इसे काट लेते हैं। तो सबसे पहले इसके दोनों किनारों को काटकर अलग कर देंगे और अब बीच से चीरा लगाकर काट देंगे। इसे काटते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर कोई कुंदरू पक गया हो यानी कि काटने पर अंदर से लाल हो तो उसे इस्तेमाल में ना लें, इससे सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाता है। और अब इसी तरह से ये मैंने सारे कुंदरू काट कर तैयार कर लिए हैं। मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई गरम कर लेते हैं और अब ये गरम हो चुकी है, इसमें तेल डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून जैसा सरसों का तेल डाल दिया है। इसमें ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। और अब तेल गरम हो चुका है, फ्लेम को लो कर लेंगे और अब इसमें हम अपने कटे हुए कुंदरू डाल देंगे। अगर आप इस सब्जी में आलू भी ऐड करना चाहते हो तो उसे भी काट कर कुंदरू के साथ ही भून लें। बीच बीच में चलाते हुए इसे हम 12 से 15 मिनट तक भून लेंगे। कुंदरू भूनने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है तो इसे हम लाइट ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। तो जब तक ये भूनता है हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से स्लाइस में काट लिया है। एक हरी मिर्च, मिर्च की मात्रा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर लें। एक छोटा टुकड़ा अदरक का, 7 से 8 लहसुन की कलियां और एक मीडियम साइज का टमाटर। इसके साथ ही साथ मैंने 1/2 टीस्पून सरसों के दाने भी ले लिए हैं। इन सारी चीजों को पीस कर मैंने ये पेस्ट तैयार कर लिया है। इसे इस छोटी बाउल में निकाल लेते हैं। साथ में इसमें हम कुछ पाउडर मसाले भी ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब कुंदरू भी लाइट ब्राउन हो चुका है, ये भून चुका है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब मैंने वापस फ्लेम को ऑन कर लिया है, कढ़ाई गरम कर लेते हैं। और अब ये गरम हो चुकी है, तेल डाल देंगे। और अब तेल गरम हो चुका है, फ्लेम को लो कर लेंगे। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून मेथी के दाने और 1/2 टीस्पून जीरा डाल देते हैं। 1 पिंच हींग भी डाल देंगे। हमारी सब्जी का कलर बढ़िया लाल निकल कर आए इसके लिए इसी स्टेज पर इसमें हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भर कर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। एक बार चला देते हैं। और अब तुरंत ही इसमें हमने जो मसाले पीस कर तैयार किए थे वो भी डाल देते हैं। मिक्स करते हुए भून लेंगे। बीच बीच में चलाते हुए इसे हम मसालों के अच्छी तरह से भून कर तेल छोड़ने तक भून लेंगे। और अब मसाला अच्छी तरह से भून कर तैयार हो चुका है, ये तेल छोड़ने लग गया है। तो अब इसमें हम कुंदरू डाल देते हैं, मसालों के साथ मिक्स करते हुए भून लेंगे। और अब इसी स्टेज पर इसमें हम स्वादानुसार नमक भी डाल देते हैं, वापस मिक्स करते हुए भून लेंगे। और अब इसे मैंने 2 मिनट तक और भून लिया है। सारे मसाले अच्छी तरह से भूनकर कुंदरू पर कोट हो चुके हैं। तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे। आपको ग्रेवी जितनी पतली या गाढ़ी चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड कर दें। मैंने यहाँ पर कुल मिलाकर 1 कप जैसा पानी ऐड कर दिया है। एक बार अच्छी तरह से चला देते हैं। ढककर इसे हम 12 से 15 मिनट तक कुंदरू के अच्छी तरह से पकने तक पका लेंगे। तो पहले इसे हम 2-3 मिनट तक मीडियम या हाई फ्लेम पर रखेंगे और जैसे ही सब्जी में उबाल आने लग जाए फ्लेम को लो कर लेंगे
और बीच बीच में इसे ढक्कन खोलकर एक दो बार चला भी देंगे। और अब इसे मैंने 15 मिनट तक पका लिया है। कुंदरू पकने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। एक बार अच्छी तरह से चला देते हैं, चेक कर लेंगे। इसे स्पून से इस तरह से काट कर चेक कर लें। ये आसानी से कट जा रहा है। हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बारीक कटी हरी धनिया की पत्तियां भी डाल देंगे। एक बार मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट सरसों के मसाले वाली कुंदरू की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। सर्व कर लेंगे। इसे आप रोटी, पराठा, पूरी या दाल चावल के साथ सर्व करें, ये सबको बहुत पसंद आती है। और इतनी सब्जी आप घर के 4 लोगों को आराम से सर्व कर सकते हो। आप भी इस सरसों के मसाले वाले स्वादिष्ट कुंदरू की सब्जी बनाकर एक बार जरूर ट्राई करें। आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक यानी कि थम्स अप के बटन पर क्लिक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इस रेसिपी को लास्ट तक देखने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ मेरे चैनल कुकिंग विद प्रीति पूजा पर।